एवरीवन एंड वेलकम टू द व्लॉग। आज मेरा पहला दिन है कॉलेज का और आज -16 है सुबह, तो मैं अपनी ये वाली टोपी निकाली जो बहुत ज्यादा गर्म है, फटी पड़ी है। एक बस मेरी निकल गई है दूसरी बस की वेट कर रहा हूँ, अगर मैं टाइम पे आ गई तो मैं कॉलेज पहुंच जाऊंगा, नहीं तो फिर मैं कुकर लेनी पड़ेगी या फिर थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। कोई बात नहीं यार, वेदर बहुत ज्यादा हार्श है तो अगर कुछ होगा तो इतना समझते हैं यार प्रोफेसर। बाकी एक बस दिख तो रही है मेरे को, बट आई एम नॉट श्योर मेरी वाली है या एक्सप्रेस वाली है, पता नहीं। बहुत ठंड है, देखो मैं बोल भी रहा हूँ तो मुंह से धुआं निकल रहा है। चलो गाइस, सी यू एट कॉलेज। तेरी डांस है? अबे नहीं, व्लॉग बन रहा है। अच्छा व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल ब्रो। टॉपर हमारी क्लास का, कम मार्क्स में साहिल पढ़ा देना यार प्लीज, ये हमेशा फर्स्ट आता है बट लास्ट से। फाइनली फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज डन, ठीक ठाक कॉलेज है, बढ़िया ओवरऑल बता रहा है। और आज मौसम बहुत क्रेजी है, धूप निकली है, ये हमारे शेफ जा रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द कंटिन्यूएशन ऑफ द व्लॉग। और आज है डे 2 कॉलेज का, बस मैं अभी उठा हूँ, जल्दी जल्दी नहाया हूँ, भाग रहा हूँ। बट वैसे मेरे को अभी बस स्टॉप आती बस दिख रही थी तो अभी मैं चिल्लो की फिर चल रहा हूँ। कल सुबह -16 था, मेरी फटी पड़ी थी, आज -6। आज तुम्हारा भाई मस्त घूम रहा है, एक जैकेट, एक टी शर्ट और नीचे एक इनर पहना, बस बड़ा बढ़िया मौसम है, चिल मौसम है। कल ऐसा मौसम था मैंने सर से टोपी उतार थी, मेरी जान निकल गई, मेरी आत्मा मेरी से निकलने वाली थी, बट बच गए थे। अब जा रहे हैं, सुबह हो रही है, बस अभी लिटरली सनराइज हो रहा है। जब मैं उठता हूँ कॉलेज के लिए तब तो आई थिंक पूरा अंधेरा ही होता है, जब तक मैं नहा धो के रेडी होता हूँ, सब कुछ करता हूँ, जितने बाहर आता हूँ उतने में थोड़ी बहुत लाइक सनलाइट आनी शुरू हो जाती है। अब मैं बाहर आया हूँ, बस ये बस स्टॉप है, पहले भी बहुत बार जगह नीचे कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये रेस्टोरेंट है एंड हवा बहुत तेज है तो उसकी वजह से थोड़ी सी ठंड लग रही है, नहीं तो माइनस कितना है अभी वो चेक करते हैं गाइस, -8 है, -8 इज नॉट कोल्ड। ये गोश्त खा लो भाई, मेरी फेवरेट चीज, सबसे ईजी है बनाना तो यही खा लेता हूँ। सुबह सुबह भाई इतनी नींद खुलती है, सिर्फ कॉफ़ी पी जाती है, ये खा लिया जाता है और फिर कॉलेज निकल लिया जाता है। तो कल मैं कॉलेज जंक्शन दिखा पाया था बिकॉज कल मैं जब पहुँचा था कॉलेज, क्लास का टाइम हो गया था, मेरे को भागना पड़ा था क्लास की तरफ, बट आज पक्का। कॉलेज से निकला था और घर पे थोड़ी ग्रोसरीज लानी है तो उसके लिए जा रहे हैं अभी नोफ्रेल्स, अभी आधे रास्ते पहुँचा बस से, अंदर जाते हैं देखते हैं क्या क्या लेना है। काफ़ी सामान कल मंगा लिया था, थोड़ा बहुत रहता है करके फिर घर निकलेंगे। यो कैसा लग रहा है, ये मेरी एक्सट्रीम विंटर कैप है, मैं दूसरी कैप घर पड़ी थी तो मेरे को ये पहननी पड़ी। राइस केक ले लिया और जो जो सामान लेना सब ले लिया, बाकी बाद में तो बस की वेट कर रहे हैं, 3-4 मिनट में अगली बस आएगी फिर हम घर निकलेंगे। घर जाएंगे, वहाँ जाके हम बेहोश हो जाएंगे क्योंकि 2 क्लासेस ट्रेन करके आओ, 3 घंटे की एक क्लास होती है, 6 घंटे पढ़ के आओ, बिल्कुल जान नहीं है सोना में। यो एंड वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ व्लॉग। अभी मैं घर पे हूँ, अभी निकला नहीं हूँ, आज कॉलेज थोड़ा लेट था, लाइक नॉर्मली 8 बजे क्लास होती है, आज 11:30 है, बट आज वेदर बहुत प्यारा है, आज सिर्फ -25 डिग्री है तो मेरी बहुत फटी पड़ी है। एक टी शर्ट, इसके नीचे मैंने वेस्ट पहनी है, अभी इसके ऊपर मैं एक हुडी पहनूंगा, फिर मैं स्नो जैकेट पहनूंगा, नीचे मैंने एक वो पहनी है लाइक वार्मर वाली लेयर, फिर उसके ऊपर एक और लेयर, अभी इसके ऊपर मैं जीन्स पहनूंगा, उसके नीचे स्नो बूट पहनूंगा, मैंने नीचे हीटेड सॉक्स पहन रखी है, मतलब इंसुलेटेड वाली जो होती है हीटटेक वाली, बहुत बुरी फटने वाली है। मैं कॉलेज जाऊंगा, मेरे को नहीं पता रास्ते में मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा क्योंकि बिल्कुल आज हाथ निकाल नहीं पाऊंगा, इतनी ठंड है, लाइक इतनी वार्निंग आ रखी है, और जब मैं वापस आ रहा तो विंड वार्निंग भी है तो उस टाइम और ठंड लगेगी, उस टाइम फील्स लाइक -34 है, बहुत बुरा हाल होने वाला है। ये अभी का व्यू, लाइक स्नो तो उतनी है जितनी नॉर्मली होती है, बट आज वेदर बहुत ज्यादा ठंड है क्योंकि हवा भी चल रही है, अच्छा कुछ मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि आज और कल ठंड है, लाइक कल मेरा कॉलेज नहीं है तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, बट संडे को सीधा -25 से -2 है, ये लॉजिक। बस ये मंदिर एंड ये हमारा डाइनिंग टेबल, ये हम एक्स्ट्रा टेबल, वो किचन है, अभी मैं कुछ खाना खुना बनाऊंगा, फिर वहाँ मेरा रूम है, वहाँ सेटअप दिख रहा होगा तुम्हें थोड़ा सा, ठीक है। ये मेरा वॉशरूम है, वहाँ पे फ्रेंड का रूम है और ये मशहूरा की एंट्री है, ऐसे ऐसे एक अंदर अलावा कॉलेज का। अब ये मेरे को पहले गले में पहनना पड़ेगा, फिर ये पूरी शेपर्ड वाली टोपी ये मेरे को पहननी पड़ेगी, लाइक ये जो कानों को वार्म रखती है बिकॉज इतनी ठंड में ना कान बिल्कुल जम जाता है। बाकी मेरी कॉफ़ी बन गई है, वैसे केटल हो गई है, कॉफ़ी बनाते हैं इससे, थोड़ा सा स्नीक पीक दे देते हैं। ये सेटअप है, वो मेरे राइस केक पड़े जो मैं खाता रहता हूँ पूरे दिन, बाहर कभी भी दिखाता रहता हूँ। ये विनायक भैया ने दिया था मेरे को, वाइट एंगल है, यस ये हमारा नया वाला कैप्चर कार्ड है, और ये बाहर का व्यू है। ठंड तो है पर बिकॉज तुम्हारे भाई ने बहुत तगड़ी पैकिंग कर रखी है, फुल मतलब नीचे भी 3 लेयर ऊपर भी 3 लेयर, टोपी वोपी और आगे ठंडी ठंडी, भाई सांस नहीं आ रही, पहले ठंडी हवा से
बट वैसे ठीक है, कितनी ठंडी लगती है। बस स्टॉप तक जा रहे हैं। जमे पड़े ना अंदर तक, घर जाके वाटर में बेहोश हो जाऊंगा। बाकी यहाँ पे आस पास बढ़िया, इतनी धूप में बहुत ठंडा है। पर साहिल क्या करोगे घर जाके? तो गाइस फ्राइडे एंड्स, मतलब कॉलेज के अकॉर्डिंग मेरा मूड जमा पड़ा है ब्रो। एक तो मैं पानी वानी की चेंज की वजह से पता है स्किन भी बहुत खराब हो गई है, लाइक बहुत ज्यादा तो ड्राई रहता है एकदम। तुम दिख ही रहो भाई कितनी ड्राइनेस हो रखी है फेस पे स्नो की वजह से, पूरा हाल हो गया भाई। बहुत ठंड थी, बहुत ज्यादा। एंड अभी तो इसलिए हो रहा है बिकॉज लाइक मॉइस्चराइजर लगाया, फिर ठंड स्नो एकदम करके बहुत वो ग्रीसी हो गया फेस ना, क्योंकि लाइक मॉइस्चराइजर जब ठंडा और ये अंदर हीट में बैठे तो करके वो ग्रीसी सा बन गया। बहुत बुरा था। अभी बाहर भी ये चल रहा है, ऐसा हाल है। घर पहुंच गए, खाने के लिए बनाएंगे, चिल करेंगे। देखो अब ठीक दिख रहा है, बट जब लाइट पड़ रही है तो शो हो रहा है कि फेस पे हाँ ऑयल बहुत है। बहुत बुरा हाल हो गया, मोटा मैं हो गया था लेकिन तीन दिन जब कॉलेज गया हूँ ना उसी में मेरे को लग रहा है मेरे 1.5 किलो वेट लॉस हो गया होगा, क्योंकि इतनी ठंड में इतनी भारी जैकेट पहन के सब